दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बदले के मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए कप्तान रोहित ने तैयार किया मास्टर प्लान और अपनी टीम में कराई एक ऐसे दिग्गज की वापसी जो अकेले अपने दम पर पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देगा। तो कौन है वो खिलाड़ी, किसे दिया गया है रोहित ने अपने प्लेइंग 11 में खेलने का मौका, किसे दिखाया है बाहर का रास्ता, साथ ही कौन होने वाला है 11 धुरंधरों में शामिल जो पाकिस्तान को रौंद कर पूरी तरीके से हरा देगा और हार का बदला लेगा। दोस्तों, आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, कोहली और धोनी में कौन है सबसे महान कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के सबसे शानदार मुकाबले या यूं कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी में भारत और पाकिस्तान 23 अक्टूबर को एक दूसरे से मेलबर्न के मैदान पर भिड़ने वाले हैं। इस सांस रोक देने वाले मुकाबले के लिए हर एक क्रिकेट प्रेमी के साथ साथ पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज और सेलिब्रिटी भी पल के बिछाए हुए इस मैच के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ क्रिकेट का आम मुकाबला नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच एक जंग होती है जिसमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे देशवासियों में रोमांच और जुनून की सारी हदें पार हो जाती हैं। अब इस महामुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम को जीत दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं और इसी के साथ ही वो 2021 T20 विश्व कप की हार का बदला लेकर पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। और अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसके सामने पाकिस्तान का जीतना तो दूर है, टिकना भी मुश्किल है। दोस्तों, कप्तान रोहित ने अपनी टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी खुद के साथ उप कप्तान केएल राहुल को सौंपी है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर अपने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं। नंबर 3 पर या यूं कहें कि सबसे अहम स्थान पर और पारी को एंकर करने के लिए रोहित ने अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली पर भरोसा जताया। विराट और रोहित की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में कोहली से विराट पारी की उम्मीद इस मैच में कर रहे हैं रोहित, और विराट का साथ निभाने के लिए रोहित ने ऑस्ट्रेलिया को अपने खौफनाक रूप के प्रदर्शन कराने वाले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी दी है, जिसके साथ हार्दिक पांड्या 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में अपने छोड़े हुए काम को जारी रखते हुए पाकिस्तान को अपने कुछ सामने घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए नजर आएंगे। बतौर विकेटकीपर रोहित ऋषभ पंत के आक्रामक रवैये को छोड़कर दिनेश कार्तिक के अनुभव पर भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने लगातार खुद को साबित किया है और ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से काफी अधिक फ्लॉप चल रहे हैं। ऐसे में दिनेश कार्तिक के भरोसे पर खरा उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इनको देनी है। दोस्तों, बतौर ऑलराउंडर रोहित अक्षर पटेल पर भरोसा जता रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की पिच पर अपनी गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद रोहित भी कर रहे हैं, जिनका स्पिन डिपार्टमेंट में साथ निभाने के लिए रोहित ने चालाक गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, अश्विन और अक्षर की जोड़ी हमें ऑस्ट्रेलिया की तेज तर्रार पिचों पर कुछ कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकती है। रविचंद्रन अश्विन को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का खूब अनुभव है, जो इस मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। अब बात करें सबसे अहम डिपार्टमेंट की, तो काफी लंबे समय तक परेशानियों में घिरे रहने के बाद अब भारतीय टीम का पेस अटैक सबसे मजबूत हो गया है, जिसमें मोहम्मद शमी गेंदबाजी आक्रमण को लीड करेंगे, तो वहीं उनका साथ निभाते हुए स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार और दूसरे जहीर खान बनने की क्षमता रखने वाले हर्षदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया की तेज तर्रार पिचों पर पाकिस्तानी बल्लेबाजी लाइनअप के परखच्चे उड़ा कर रख देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को हरा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।